हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल से हमारा स्वंभव प्रोग्राम स्टार्ट होने जा रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अपना जो सब एनरोलमेंट है वो कर लिया होगा और आपने अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर किया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और इस प्रोग्राम का बेनिफिट उठाइए। आज हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो कोर्स है वो किस तरीके से डिज़ाइंड है, उसको यूज़ कैसे करना है, एक्सेस कैसे करना है और कैसे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। आप सबसे पहले www.fundabox.com पे जैसे ही जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। अभी यहाँ पे मेरे इसके अंदर चूंकि मैंने लॉगिन कर रखा है इसलिए ये लॉगिन यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड दिखा रहा है। तो ये डैशबोर्ड, डिजिटल प्रोडक्ट, RSPRI, ब्लॉग, कोर्सेज। अब करना आपको ये है कि आप या तो RSPRI वाले उस पर भी जा सकते हैं या आप अपने जो है कोर्सेज पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप RSPRI पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ तीन नीचे ऑप्शंस आ जाएंगे, जेनरिक शेड्यूल, आपका राजस्थान स्पेसिफिक प्लान 3 और तीसरा जो है वो प्लान 2। तो इनमें से कोई भी प्लान जो आपके हिसाब से आपको सूट करता हो वो आप यहाँ ऑप्ट कर सकते हैं। जैसे आप ऑन जो प्लान ऑप्ट करेंगे उसके बाद क्या होगा वो मैं दिखाता हूँ आपको। एक एग्जांपल हमने जो डेमो बना रखा है, कोर्सेज में जाएंगे तो आप डेमो जो है उसको आप ट्राई करके देख सकते हैं। डेमो पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ कंटिन्यू आता है। नया कोर्स जब आप कोई भी किसी भी कोर्स पे जाते हैं तो वहाँ पे उसमें लिखा हुआ आता है कि आप उस कोर्स में एनरोल कर लें। जैसे यहाँ पे गेट कोर्स फॉर फ्री पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप एनरोल्ड हो जाएंगे। मैं डेमो कोर्स में करके दिखाता हूँ कि क्या होगा। डेमो कोर्स पे जैसे ही आप गए, आपने यहाँ पे कंटिन्यू करेगा तो यहाँ आपके सामने जैसे लेफ़्ट साइड में ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि एक ही कंटेंट बनाया हुआ है तो चैप्टर वाइज ये ऑप्शंस खुलते जाएंगे। डेट वाइज यहाँ पे चूंकि एक ही ऑप्शन है इसलिए भी आपको ये दिख रहा है। आप यहाँ स्टार्ट क्विज पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इसमें डिटेल्स इसके बारे में आ जाएंगी कि क्या क्या हैं। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन आ गया है, आप क्वेश्चन में कोई भी आंसर चूज़ करिए, सेव एंड नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, चूज़ करिए, अपना आंसर देखते जाइए। तो इस तरीके से जो आंसर्स हैं वो चलते जाएंगे। आपको टाइमर भी दिखेगा, यहाँ वाले इस कोर्स में हमने टाइमर नहीं बना रखा है। जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसको सबमिट करके आप सबमिट भी कर सकते हैं। आप किसी क्वेश्चन को चाहते हैं कि रिव्यू करना चाहें बाद में तो आप वो रिव्यू भी कर सकते हैं। उसको करने के बाद आप जैसे ही इसको सबमिट करेंगे तो ये आपका ऑप्शन सबमिट हो जाएगा। आप कंप्लीट करेंगे तो सबमिट हो गया। इसमें कोई ऑप्शन जैसे रैंडमली मैंने टिक कर दिए थे तो कुछ भी वैल्यू आई, आपको यहाँ आपकी रैंक दिख जाएगी जितने भी लोग उसको अटेम्प्ट करेंगे। परसेंटाइल आप उसको देख सकते हैं, आपके मार्क्स आप देख सकते हैं, कितना टाइम आपको लगा ये देख सकते हैं, कितने क्वेश्चंस करेक्ट किए, कितने इनकरेक्ट हुए, स्किप्ड हुए। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसी के साथ साथ में आप इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ पे देख सकते हैं, वापस अपना क्वेश्चन जो है वो रिव्यू कर सकते हैं कि कैसे आपने अटेम्प्ट किया। तो ये बहुत ही आसान है और मतलब ये आपके लिए तुरंत आपको आपकी स्टैंडिंग भी बता देगा। आप जैसे जैसे अपने जैसे जैसे लोग इसमें अटेम्प्ट करते जाएंगे तो आपकी रैंकिंग भी जो है वो चेंज होती जाएगी और अपग्रेड होती जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो जिस तरीके का प्रोसेस है ये आपको समझ में आ गया होगा। वैसे बहुत नॉर्मल इंटरफेस है जो सब जगह यूज़ होता है। तो इसको आप क्वेश्चंस को जो है शेड्यूल वाइज अटेम्प्ट करना शुरू करें। शेड्यूल में आपको दिखा देता हूँ कि शेड्यूल आप कैसे देख सकते हैं। अगर उस पर जाएंगे तो भी आप शेड्यूल यहाँ पे देख पाएंगे। इसमें आप RSPRI के बारे में डिटेल्स में देख सकते हैं। कोर्सेज जिस कोर्स में जाएंगे तो आप कोर्स में हर कोर्स के साथ में उसके लैंडिंग पेज पे ही उसका शेड्यूल आ जाता है। जैसे इस कोर्स में हम यहाँ गए तो इस कोर्स में नीचे ये दे रखा है कि किस किस तरीके के उसके अंदर शेड्यूल है। तो ये शेड्यूल आप यहाँ से देख सकते हो। तो जब आप इस कोर्स को एनरोल कर लोगे तो इस पर क्लिक करते ही आपको शेड्यूल दिख जाएगा। वैसे ये शेड्यूल इसका इसी तरीके से है, ये जो डे वाइज शेड्यूल यहाँ पे डला हुआ है। तो आप एक एक जो चैप्टर वाइज चैप्टर डिटेल्स हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं तो आप इनमें जाके अपना शेड्यूल देख सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी प्लान कर सकते हैं। 50 दिन में हमने कोई भी जो है लीव हॉलीडे नहीं रखी है तो बाकी सारे ये जो शेड्यूल हैं कंटिन्यूस पैटर्न में हैं। तो आई होप कि अब आप तैयार होंगे इस RSPRI की जर्नी के लिए और इस मौके को बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइज़ कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, थैंक यू।